नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ आपको एक बहुत शानदार ब्रीड दिखाने है जिसकी मैं पहले शॉर्ट भी बना चुका हूँ और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसकी परेशानियों के बारे में बताऊँगा कि ऐसी ब्रीड जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो परेशानी क्या होती है। तो आपको मिलवाता हूँ मैं एक बहुत शानदार डॉग से। चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी जगह पर और अपने उस शानदार डॉग से मिलने के लिए। इस जिस ब्रीड के बारे में मैं बात कर रहा था, ये बहुत रेयर ब्रीड है और इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि हम इंपोर्ट तो करा लेते हैं ऐसी ब्रीड को, लेकिन इनका फ्यूचर कुछ रहता नहीं है किसी और कंट्री के अंदर। क्योंकि अब जैसे कि हमारे पास ये जो डॉग है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है वो शानदार ब्रीड ग्रिफॉन निवरनेस जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके ओनर को भी नहीं पता था कि ये कौन सी ब्रीड है, थोड़ा सा इसको भानना पड़ गया, उसके लिए आप माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये थोड़ा परेशान कर रहा था। और प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है ऐसे ब्रीड के साथ में कि जब इसकी मेटिंग नहीं हो पाएगी, सेम डॉग नहीं मिलेगा, तो हम इसकी इसकी जो पूरी जनरेशन है वो यहीं पर ही एंड हो जाएगी। अभी इंडिया में ये आ चुका है तो इंडियन डॉग ही इसको कहेंगे, हमारे भारत का ही है। और ये ओरिजिनल ब्रीड, ये जो शुरुआत हुई थी इसकी फ्रांस से हुई थी, निवरनेस एक जगह है फ्रांस में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इस ब्रीड को सेंट हाउंड के उसमें भी जाना जाता है क्योंकि सेंट हाउंड जो वो बहुत जानी मानी होती हैं अपनी स्मेल करने की, उनकी पावर बहुत शानदार होती है, तो इसलिए ये सेंट हाउंड जो उनका ग्रुप है उसी से आई हुई है। इसका मीडियम साइज़ का ये डॉग रहता है। अगर आप इसका चबड़ा और इसका जो शरीर है वो आप देखेंगे वीडियो के अंदर तो बहुत शानदार है। मीडियम साइज़ का डॉग है, लार्ज से थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर माना जाता है। और जो शिकारी लोग थे वहाँ के फ्रांस के, उन लोगों ने इस ब्रीड को बनाया था। जो इसका कोट अगर आप देखेंगे बॉडी का, वो बहुत रफ़ होता है। अगर आप देखेंगे इसके कोट को, कान इसके काफ़ी लंबे हैं और कोट काफ़ी रफ़ कोट होता है एकदम, मतलब आपको इसको जबरीला मैं इसको कह सकता हूँ कोट को, क्योंकि शैगी जिसको हम कहते, गर्मी इस डॉग को पसंद नहीं है क्योंकि ठंडे इलाके का है। बिहेवियर है वो बहुत फ्रेंडली होता है जिसकी वजह से इसको वहाँ पर अच्छा फैमिली गार्ड डॉग भी माना जाता है। और इसका जो खुशमिजाज जो व्यवहार है वो लोगों को बहुत पसंद है। और गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाइट हम जमीन से इसके कंधे तक देखेंगे तो 22 से करीब 24 इंचेस की इसकी हाइट रहती है। और ये जब पुराना जो टाइम था, इस ब्रीड को इस्तेमाल किया जाता हंट करने के लिए, हंटिंग करने के लिए इस ब्रीड का इस्तेमाल होता था। और इस ब्रीड का नाम है ग्रिफॉन निवरनेस। अगर आप गूगल पर ग्रिफॉन डालेंगे तो आपको शायद ये ब्रीड नहीं मिलेगी क्योंकि एक ऐसे डॉग्स का एक ग्रुप है ग्रिफॉन, जिसके बाल बहुत जबरीले काइंड ऑफ होते हैं और उनको बनाया ही हंट के लिए और सेंट के लिए होता है। और अगर आप ग्रिफॉन निवरनेस डालेंगे आपको तुरंत ये डॉग मिलेगा। आप चाहें तो गूगल पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये ब्रीड मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता था क्योंकि ये बहुत रेयर है इंडिया के अंदर। इसको देखना मेरे को एक बार, इनके जो ओनर हैं वो मुझे एक बार चलते हुए मिले तो मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन सी ब्रीड है, तो ये कौन सी ब्रीड है, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये भूटानी डॉग है, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने गूगल पर इसकी पिक्चर लेकर के और जब अपलोड करी तो गूगल ने मुझे इसकी पूरी सच्चाई बताई कि आखिर ये पिक्चर जो है, आखिर ये ब्रीड जो है फ्रांस की ब्रीड है, खुश नहीं है क्योंकि ये बांध दिया गया है। तो गाइस, यही था आपको बताना इस डॉग के बारे में। ये बहुत ही शानदार डॉग है, बहुत फ्रेंडली है, इतना बड़ा होने के बावजूद इतना अग्रेसिव नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसका भविष्य इंडिया में नहीं है क्योंकि एक दिन ये डॉग हमको छोड़ के चला जाएगा। और इस जैसे कि हमारे पास इसकी फ़ीमेल नहीं है अभी, तो हम इसके साथ में, मतलब जो इसकी आगे जो जनरेशन बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, हिट लाइक्स और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये ब्रीड थी ग्रिफॉन निवरनेस, जो कि एक फ्रेंच ब्रीड थी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाय बाय।